ये ऐतिहासिक यात्रा जो प्रारंभ हो रही है, इसका महत्व पूरा मुल्क समझ रहा है। और राहुल गांधी जी ने जिस रूप में ये निर्णय किया भारत जोड़ो, उदयपुर डिक्लेरेशन के आधार पर सोनिया जी के सानिध्य में निर्णय हुआ। और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो, तो ये क्यों नौबत आई, इसके मर्म को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार का माहौल बना देश के अंदर, ऐसा माहौल आज़ादी के बाद में पहली बार बना है। क्या नफरत तनाव हिंसा का माहौल है, पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। हम प्रधानमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको चाहिए कि आप ये अपील करें देशवासियों से कि देश पूरे में प्रेम भाईचारा सद्भावना होनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही है। और आप देखते हैं कि ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। तो राहुल गांधी की जो सोच है, उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरुआत करी, गांधी जी के दांडी मार्च की शुरुआत हुई। सत्य अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, पूरी दुनिया मानती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं उनके जन्मदिवस को। ये भी सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की देन है कि कन्विंस किया यूएन को, और आज पूरी दुनिया जो है एक साथ में 2 अक्टूबर को मनाती है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अहिंसा का जो मुल्क हमारा है मैसेज देने वाला गांधी के नाम से, उस देश में नफरत की कहाँ जगह है, घृणाएं की कहाँ जगह है। राहुल बाबा कहते हैं भय होता है या डर होता है वहाँ हिंसा होती है। ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है राहुल गांधी जी का। आज सुबह वो गए हैं श्री परमदूर, जहाँ पर आपको मालूम है कि हमारे महबूब नेता थे उस वक्त में राजीव गांधी जी, वो शहीद हो गए, शिकार हो गए। और उस वक्त ही राहुल जी ने आज कहा है कि नफरत के कारण से मैंने मेरे पिता को खोया है। राहुल गांधी ने अपनी दादी को खोया आतंकवाद का मुकाबला करते करते, राहुल गांधी जी ने अपने पिता को खोया नफरत के कारण से। आप सोच सकते हैं कि एक नौजवान जिसके दिल में देश प्रेम की भावना भरी पड़ी है, वो चाहता है कि मेरे पिता को खोया है नफरत ने और मैं अपने प्यारे देश को नफरत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। ये जो उनकी भावना आज सुबह प्रकट हुई है, आप सोच सकते हो कि ये देश की दिशा में जा रहा है और किसी को नहीं मालूम कि दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता है। ऐसे हालात में हम लोग सब चल रहे हैं। और हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए, अभी समय है, अभी समय है, राहुल गांधी जी की यात्रा है, इनके संदेश को समझने का प्रयास करें। एनडीए गवर्नमेंट और तमाम भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे कोई भी हो, वो मैसेज देंगे प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, गांव गांव में पदयात्रा करके। ये वक्त है कि हम किस प्रकार से हालात को बदलें जो देश हित के अंदर है। ये देश, वर्तमान पीढ़ी इनको कभी माफ नहीं करेगी अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी को आप बता ही नहीं रहे हो, अमृत महोत्सव मना रहे हो, पर बता नहीं रहे हो कि इस देश में कितने बड़े त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई है। भगत सिंह जैसे नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़े थे, कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए देश के अंदर, और उस देश के इतिहास को आप बता नहीं रहे हो देशवासियों को, नई पीढ़ी को, ना आज़ादी पहले का ना आज़ादी के बाद का। आज पिछले 2 साल के बाद हम कहाँ पहुँचे,
आज़ादी मिली जब हमें, तो हम क्या थे यहाँ पर? एक सुई नहीं बनती थी, 33 करोड़ लोग रहते थे, आज 135 करोड़ लोग रहते हैं। आप बता नहीं रहे हो, इतिहास नहीं बता रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप मिटा दिया आपने उनका नाम, जो 10 साल से जेलों बंद रहे, जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया, इलाहाबाद का सबको मालूम है, इलाहाबाद में जो भवन था जहाँ इलाहाबाद में बैठ के गांधी जी आंदोलन चलाया करते थे, स्वराज भवन त्याग दिया, दे दिया देश को, दे दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि एक पंडित नेहरू के बगैर अमृत महोत्सव की कोई कल्पना कर सकता है? इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, इनके इरादे नेक नहीं हैं, और इनको गलतफहमी भी है कि हम इस प्रकार से इतिहास को, जो गर्व करने वाला इतिहास है उसको मिटा करके हम अपना इतिहास बना देंगे, ये असंभव है। ये मैं कहना चाहूँगा, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यात्रा जो हो रही है इसमें आप सब आए हो, आप सबका स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक नया मैसेज जाएगा, नई पीढ़ी के अंदर अपने इतिहास को खोजने की ललक पैदा होगी। हम सब मिलकर के देश को एक रखें, अखंड रखें, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी जी ने जान दे दी, सरदार पटेल ने जान दे दी, कितने अज्ञात अज्ञात लोगों ने आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद में भी अपने आप को कुर्बान करे पर देश को एक अखंड रखा है। अनेकता में एकता वाला मुल्क है, हम सबकी देशवासियों की जिम्मेवारी बनती है हम अपने देश को एक अखंड रखें और प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहें, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो, यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया अशोक जी, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आपके सवाल भारत जोड़ो यात्रा तक ही सीमित रखें। सर, मेरा सवाल अशोक जी है कि असम के मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा पर कमेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह यहाँ नहीं पाकिस्तान में जाकर करने की जरूरत है। देखिए, आप इन लोगों को महत्व देना छोड़ दीजिए। जब से ये लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, जो जो लोग भी गए हैं या जा रहे हैं, वो कांग्रेस की भावना जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। वो लोग जिस प्रकार के उन्होंने रवैया अख्तियार किया है अपने स्वार्थों के कारण से, कौन अपने घर को छोड़ के जाएगा? जो लोग गए हैं, जा रहे हैं, क्या इनको मान सम्मान कहीं मिल सकता है? प्रधानमंत्री बनना एक बात है, मुख्यमंत्री बनना एक बात है, आप कोई पद ले लीजिए, परंतु आपकी आत्मा क्या कहती है, आपका देश क्या पुकार रहा है, देश की भावना क्या कहती है, वो अलग बात होती है। सर, वहीं पे बीजेपी ये भी कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों, कंट्री ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट है, तो भारत जोड़ो यात्रा करने की क्या जरूरत है, सेल्फ रिलायंट है। रिलायंस थी और धीरे कमजोर हो रही है, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ शांति होगी वहीं विकास होगा, परिवार के अंदर भी यही बात है, गांव में ही बात है, प्रदेश में ही बात, देश के लिए बात है। जहाँ शांति भाईचारा होगा वहाँ विकास होगा। वो कमजोर हो रहा है, सामाजिक ताना बाना कमजोर हो रहा है, इसीलिए यात्रा हो रही है, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की यात्रा भी है ये। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो है बताऊँ आपको, अगर आपकी स्थिति रही अभी गली में मोहल्लों में देश भर के अंदर जहाँ मेजोरिटी लोग रहते हैं ज़्यादा और माइनॉरिटी कुछ घर हैं, वहाँ उनको चिंता लगी रहती पता नहीं कब दंगा भड़क जाएगा तो हमारा क्या होगा, चाहे वो हिंदू है माइनॉरिटी में चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर। जिस मुल्क में अगर ये स्थिति बने तो आप देख लीजिए, छुटपुट घटना जो अभी होने लग गई है दंगों की, वो आपके सामने है, और बाकी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसके लिए कांग्रेस शानदार रैली की दिल्ली के अंदर, अभी 5 तारीख को अहमदाबाद में बहुत शानदार रैली हुई। तो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, GST का जो इन्होंने तमाशा बना रखा है उसको लेके पूरा देश चिंतित है और घबराया हुआ है, क्योंकि महंगाई की मार कमर तोड़ चुकी है लोगों की,
और तो और बेरोजगारी में हाहाकार मचा हुआ है, तो फिर क्या होगा बताइए आप? होना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं भगवान करे स्थिति नहीं मने और इन्हें सद्बुद्धि दे। भगवान नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, दो का नाम ही लूंगा मैं, कि दो ही देश चला रहे हैं, तो दोनों को सद्बुद्धि दे। और राहुल गांधी की भावना जो है, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी जाके प्रधानमंत्री को गले लगा लिया था, ये ऐसा इंसान है जो प्यार में मोहब्बत में विश्वास करता है, अहिंसा में विश्वास करता है। राहुल गांधी खुद गांधीवादी विचारों का व्यक्तित्व के धनी हैं, उनको समझना चाहिए। बजाय कि आप सोशल मीडिया में करोड़ों अरब रुपये खर्च करके आप 5,000 लोगों को बैठाने का, हम सुनते हैं सोशल मीडिया को बैठा करके आप किसी की इमेज इमेज करनी हो आपको, राहुल गांधी को टारगेट बना दीजिए। और ये हमेशा करता है, जब जनसंघ था ये पार्टी थी तब इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने, हमेशा प्रयास किया नंबर वन को कैसे डैमेज करें। राहुल गांधी जी को भी कोई कमी नहीं रखी है। राहुल गांधी के दिल में ना नफरत है, मैं उनके साथ रहा हूँ साल भर तक गुजरात के अंदर, वो बहुत ही प्यारा इंसान है, ना नफरत ना घृणा ना गुस्सा उनके अंदर है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री जी के भावुकता में चले गए, पार्लियामेंट के अंदर ही जाए गले लगा लिया। क्या प्रधानमंत्री का बड़प्पन होता उसी वक्त खड़े होके वो गले मिल लेते उनसे, ज़्यादा बेटर होता। भारत जोड़ो यात्रा इस मकसद से, जो मैंने मकसद आपको बताया, क्रेडिबिलिटी की बात तो आप देख लीजिए ना, दुनिया के इतिहास के अंदर कहीं पे भी कोई परिवार सत्ता से दूर रहा हो, 30 साल तक गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, ऐसा भी नहीं चांस नहीं मिला और फिर नहीं बना हो तो कोई बड़ी बात नहीं। चांस मिला सोनिया गांधी जी को और उन्होंने इनकार करके डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाया, तो मंत्री बनने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो जिस परिवार का कोई व्यक्ति 30 साल से नहीं बन रहा है, ना प्रधानमंत्री ना केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री बातें छोड़ दीजिए, खाली पार्टी के अंदर कोई देश के लिए, सोनिया गांधी जी को कौन ले गया पार्टी के अंदर? वो तो उनका इंटरेस्ट नहीं था राजनीति जमाने का। कांग्रेस बिखर रही थी तो कांग्रेस एकजुट करने के लिए, हम लोग तो चश्मे से गवाह है उसके, हमने सबने रिक्वेस्ट करी सोनिया जी से बार बार, देश हित में कांग्रेस कराना आवश्यक है, आपको भी आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर आपने राजनीति में कदम नहीं रखा तो, क्योंकि पंडित नेहरू से लगा के अभी तक जो है कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया है, आज कांग्रेस संकट में है और आप उनकी परिवार की वारिस हैं, अगर आपने स्वीकार नहीं किया कांग्रेस बिखर गई तो इतिहास माफ आपको भी नहीं करेगा, ये हमने कहना पड़ा, तब जाके वो राजनीति में आई थी। और 20 साल 22 साल 24 साल देख लीजिए आप, जिस प्रकार देश में सम्मान प्राप्त किया उन्होंने, मान सम्मान प्राप्त किया है, लोग कहते थे विदेशी विदेशी कहते थे, आज सब लोग उनका सम्मान करते हैं, ये क्या बताता है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है कि कंट्री में अगर हर जाति हर धर्म हर वर्ग के अंदर अगर वो चाहते हैं कि ये परिवार का भी व्यक्ति बनता है, चाहे राहुल गांधी बने, तब भी ये न्याय करेंगे हमारे साथ में, जो निर्णय करेंगे उस वक्त में ये अपना पराया नहीं देखते हैं, ये हकीकत है। गांधी परिवार की सबसे बड़ी खूबी मैं ये मानता हूँ, वो नहीं देखता है ये मेरा है या पराया है, जब कोई मिलने जाता है अपनी बात कहता है, निर्णय वही करते हैं जो कि पार्टी के इंटरेस्ट में होता है, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ आपको। तो क्रेडिबिलिटी मैंने कहा हाइएस्ट इन लोगों की है, ये मैंने कहा, इसलिए पार्टी सब चाहती है कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी करे। आज क्यों कहते हैं, आज भी राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कांग्रेस जन, कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी एकजुट रहे। देखिए आज भी लोग ये भावना रखते हैं कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए। एक चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए 19 के अंदर, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
और वो जो व्यक्ति है उन्होंने उस दिन कहा था वर्किंग कमेटी के अंदर कि कांग्रेस जो मुझे कहेगी वो मैं काम करूंगा, पर मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। हम चाहते हैं कि वो अगर अध्यक्ष बनते हैं, हम सब लोग मिलके राजनीति में कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के सब मिलके हम लोग कोई कमी नहीं आने देंगे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी, आगे बढ़ेगी और चुनौतियाँ जितनी भी है उसका मुकाबला करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। चुनौतियाँ बड़ी 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 चुनौतियाँ देश के सामने हैं, राहुल गांधी बनते हैं तो वो चुनौतियों का मुकाबला करने में आसानी रहेगी।